पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने एवं न्याय मिलने को लेकर शिव शक्ति महिला समिति ने अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिव शक्ति महिला समिति के बैनर तले सोमवार को बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम तुर्क कलेक्टर को पश्चिम बंगाल के संदेश खारी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने एवं न्याय मिलने को लेकर शिव शक्ति महिला समिति ने अपने 5 सूत्री मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खारी में नारी शक्ति पर अत्याचार का विगत वर्षों से हो रही घटना से हर किसी का सर शर्म से झुक गया है। संदेश खाली में महिलाओं, बच्चों एवं परिवारों और मानवीय अत्याचारों का हमारी संस्था भरसक विरोध करती है, जिस पर महिला समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार पर निशाना साधते हुए भारत की माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू के नाम दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आए हुए हैं यहाँ पे कलेक्टर को आवेदन देने के लिए और हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके तक भी हम गुहार लगा रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए। ममता बनर्जी खुद एक स्त्री हो के, एक नारी हो के नारी का सम्मान नहीं कर रही हैं, उनके लिए बहुत शर्मसार बात। और अपनी निकम्मी सरकार को वो ध्यान दें ताकि उन नारियों का अच्छे से सम्मान हो, वहाँ सबको न्याय मिले। बंगाल में जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं वो तो घूम रहे हैं ऐसे, और जो नहीं है उनको पर कार्रवाई हो रही है, तो ये चीज़ों पे ध्यान दिया जाए और निकम्मी सरकार है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। NGO है शिव शक्ति महिला समिति, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ नीता चौरसिया। कलेक्टर महोदय के पास में आए थे राष्ट्रपति के नाम पे, हम लोगों ने संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ था उनका ज्ञापन सौंपने के लिए। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं। संदेश खाली में जो आपको जानकारी होगा कि महिलाएं खुल के रोड पे आके कह रही हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है। सरकार में वो गई, पुलिस प्रशासन में गए उनका वो लिखने के लिए रिपोर्ट, और रिपोर्ट FIR दर्ज तक नहीं किया गया और महिलाएं खुल के सामने आ रही हैं। उनमें 3 आरोपी हैं, शहजाद शेख हैं, शिबू हजरा है, उत्तम सरदार है, ये 3 हैं जो कि दोषी हैं। दोषी के खिलाफ में कार्रवाई ना करके जो दोषी नहीं है उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं और महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। वो बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पति को बताते, अगर पति विरोध करते हैं तो उस विरोध का उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है कि उसको मारा पीटा जाता है। और इस प्रकार से महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है जो महिलाएं शर्मनाक स्थिति में हैं कि वो बोल नहीं पाती हैं यौन शोषण के विषय में। अगर वो बाहर आई हैं उसके बावजूद भी वहाँ की सरकार निकम्मी है और उनको नहीं न्याय दिला पा रही है, तो हम ये मांग करते हैं कि ऐसे सरकार को बर्खास्त करें और राष्ट्रपति। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।